समाचार जारी रहेगा लेकिन इस वीडियो को लाइक करें और एनबीसी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और कमेंट करना न भूलें। उत्तर और दक्षिण कोरिया दोनों परीक्षण मिसाइलों के रूप में तनाव वृद्धि दक्षिण कोरिया का कहना है कि उत्तर कोरिया द्वारा दो मिसाइलें दागे जाने के कुछ घंटों बाद उसने अपना पहला पानी के नीचे प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया सियोन और प्योंगयांग ने उत्तर कोरिया को अपने परमाणु कार्यक्रम की पट्टी करने के लिए लड़खड़ाते कूटनीतिक धक्का के बीच आने वाली सैन्य परिसंपत्तियों के प्रदर्शन में एक दूसरे के अलावा घंटों बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि उसने बुधवार दोपहर को अपना पहला पानी के नीचे प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया और 3000 टन वजनी पनडुब्बी से दागी गई घरेलू स्तर पर निर्मित मिसाइल ने एक निर्धारित लक्ष्य से टकराने से पहले एक निर्धारित दूरी उड़ाई बयान में कहा गया है कि इस हथियार से दक्षिण कोरिया को संभावित बाहरी खतरों को रोकने अपनी आत्मरक्षा मुद्रा को बढ़ावा देने और कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति को बढ़ावा देने में मदद मिलने की उम्मीद है ये दक्षिण कोरिया को उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ दुनिया का केवल सातवा देश बनाएगा और क्षेत्रीय हथियारों की होड़ की संभावना को बढ़ा देगा राष्ट्रपति मुंजे ने दक्षिण कोरिया के लिए बेहतर मिसाइलों को विकसित करने के लिए एक कारण के रूप में परमाणु हथियारों से लैस उत्तर क्षमताओं का हवाला दिया नेता ने कहा हमारी मिसाइल क्षमता को बढ़ाना वास्तव में उत्तर कोरिया के, के प्रतिरोधक क्षमता के रूप में क्या जरूरी है राज्य समाचार एजेंसी के सी एन ए ने बताया इसके बाद बुधवार को उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उनकी प्रभावशाली बहन ने मून पर बदनामी का आरोप लगाया यो जोंग ने कहा कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की टिप्पणी अनुपयुक्त थी और इससे संबंधों में खराबी आ सकती है उत्तर द्वारा नवीनतम प्रक्षेपण का उल्लेख किए बिना यो जोंग ने कहा की उत्तर कोरिया की गतिविधियों नियमित रक्षात्मक उपाय थे और एक विसंगत की शिकायत की मूर्खता रवैया जिसने दक्षिण कोरियाई व्यवहार को शांति के लिए खतरा के रूप में शांति और उत्तर कोरिया के कार्यों का समर्थन करने के लिए एक वैध कार्रवाई के रूप में चित्रित किया इस परीक्षण के बाद दक्षिण कोरिया की सेना द्वारा बुधवार को पहले दो कम दूरी की उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण का पता चला सोमवार को उत्तर कोरिया ने कहा कि उसने छह महीने में अपने पहले हथियार परीक्षण में एक नई विकसित क्रूज मिसाइल दागी विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरियाई प्रक्षेपणों से पता चलता है कि अपनी हथियारों के निर्माण की योजनाओं के साथ आगे दबाव बना रहा है जबकि अमेरिका पर्व की हुई परमाणु वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए दबाव लागू करने की कोशिश कर रहा है पर्यवेक्षकों के अनुसार ऐसा भी प्रतीत होता है कि ऊन की सरकार जो उत्तर कोरिया के साथ सक्रिय रूप से सुलह को आगे बढ़ा रही है आलोचना का जवाब दे सकती है कि वो उत्तर कोरिया पर बहुत नरम है दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि बुधवार को मध्य उत्तर कोरिया से प्रक्षेपित उत्तर कोरियाई मिसाइलों ने कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच पानी में उतरने से पहले सैतीस मील के एपोजी पर करीब चार मील की उड़ान भरी योनसे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन डेलुरी ने एफ समाचार एजेंसी को बताया यह असाधारण समय है कि आपके पास एक नहीं बल्कि दो कोरियाई एक ही दिन बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं। ये ही है कि इस क्षेत्र में एक हथियारों की दौड़ है कि हर किसी को ध्यान देने की जरूरत है बात करता है अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड ने एक बयान में कहा कि उत्तर कोरियाई प्रक्षेपणों ने प्योंगयांग के अवैध हथियार कार्यक्रम के अस्थिर प्रभाव को रेखांकित करते हुए अमेरिकी कर्मियों या क्षेत्र या हमारे सहयोगियों के लिए तत्काल खतरा पैदा नहीं किया उत्तर कोरिया की शुरुआत की जापान ने इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इसकी निंदा की थी। जापान के योशिहाइट सुगा ने कहा फायरिंग से जापान और क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को खतरा है और यह बिल्कुल अपमानजनक है जापान सरकार किसी भी आकस्मिकताओं के लिए तैयार रहने के लिए हमारी सतर्कता और निगरानी को और आगे बढ़ाने के लिए कर संकल्प है जापान के तटरक्षक बल ने कहा कि किसी भी जहाज या विमान ने मिसाइलों से नुकसान की सूचना नहीं दी बुधवार की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन था जो उत्तर कोरिया को किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों में उलझाने से रोकते हैं लेकिन यूएनएससी ने बुधवार को दागे गए लोगों की तरह कम दूरी की मिसाइलों की शुरुआत करते हुए उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने की संभावना नहीं है सोमवार को उत्तर कोरिया ने कहा कि महान महत्व का रणनीतिक हथियार बताया जिसका अर्थ है कि इसे परमाणु हथियार ले जाने के इरादे से विकसित किया गया था सोमवार को उत्तर कोरिया ने कहा कि उसने सप्ताहांत में दो बार एक नव विकसित क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया इसके बाद जो मीडिया ने मिसाइल को महान महत्व का रणनीतिक हथियार बताया जिसका अर्थ है कि इसे परमाणु हथियार ले जाने के इरादे से विकसित किया गया था के कार्यालय ने कहा कि दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने वांग से कहा था कि वह उत्तर कोरियाई परमाणु गतिरोध को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक धक्का वे चीन की भूमिका की सराहना करते हैं और बीजिंग के सतत समर्थन के लिए कहा वांग ने कहा कि बीजिंग कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण और कोरिया के बीच बेहतर संबंधों का समर्थन जारी रखेगा सियोल में उत्तर कोरियाई अध्ययन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर यांग मू कहा कि बुधवार की शुरुआत उत्तर कोरिया के अप्रत्यक्ष संदेश की तरह दिखती है कोरियाई प्रायद्वीप के लिए बीजिंग से अनुरोध भी चीन के लिए एक केंद्रीय एजेंडा मुद्दे के रूप में संबोधित किया जाएगा उन्होंने एफ न्यूज एजेंसी से कहा इसके साथ ही प्योंगयांग इस बात का दावा करने और जोर देने लगता है उत्तर कोरिया कोरियाई प्रायद्वीप के मुद्दे पर अगुवाई कर रहा है दक्षिण कोरिया जापान और अमेरिका के परमाणु दूतों की इस सप्ताह भी टोक्यो में बैठक हुई थी अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच वार्ता दो के बाद से ठप है जब अमेरिकियों ने एक वृद्ध परमाणु सुविधा को खत्म करने के बदले में बड़े प्रतिबंधों में राहत की उत्तर कोरिया की मांग को खारिज कर दिया उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उनकी सरकार ने अब तक अमेरिका को निशाना बनाते हुए हाईटेक हथियार बनाने की धमकी दी है और बातचीत के लिए बिडेन प्रशासन के उपरिचर को खारिज करते हुए मांग की है कि वाशिंगटन पहले अपनी ये शत्रुतापूर्ण नीतियों को छोड़ दे ये मार्च में समुद्र में दो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों फायरिंग द्वारा बैलिस्टिक परीक्षणों में एक बरस के ठहराव समाप्त हथियार वॉशिंगटन की प्रतिक्रिया को मापने और व्हाइट हाउस से रियायत हथियाने के उद्देश्य से प्रदर्शनों के साथ नए अमेरिकी प्रशासन के परीक्षण की एक परंपरा जारी है ब्रिटेन प्रशासन ने घोषणा की कि उसने मई में उत्तर कोरिया नीति की समीक्षा पूरी कर ली है और जबकि परमाणु निरस्त्रीकरण प्राथमिकता बना रहा यह किन के साथ कोई महासौदा नहीं मांगेगा उत्तर कोरिया के लिए अमेरिकी दूत सुंग किम ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका का प्योंगयांग के प्रति कोई शत्रुतापूर्ण इरादा नहीं था और उम्मीद है कि वह अपने हथियार कार्यक्रमों पर बातचीत के लिए पेशकश करने के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है वीडियो को लाइक करें और एनबीसी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और कमेंट करना न भूलें